साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अभी से पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी पूरी जुगत लगा रही है चुनाव जीतने के लिए। मगर सूबे को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव चल दिया है जो कि शायद कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। एमपी के जिले इंदौर पहुंचकर पीएम मोदी ने जनता को कुछ इस तरह रिझाने की कोशिश की है। यहाँ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा आज देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित करने का अवसर भी मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के 2 शहर पहले और दूसरे नंबर पर है। भोपाल की जनता को बहुत बहुत बधाई, तो आप सभी इंदौर के नागरिकों को डबल बधाई। बताते चले आपको, मध्य प्रदेश में बीते कई सालों से भाजपा सत्ता पर काबिज है, तो ऐसे में अब पीएम मोदी का ये दांव इस साल कितना काम आ पाता है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।